उसका जो लिप मशीन का लोहे का रस्सा है वो उसके टूटने से ये हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये लिफ्ट है वो करीब 1875 फुट नीचे जाकर है वो गिरी है, और इसमें जो 13 सदस्य हैं वो थे, और इसमें जो कोलकाता से आई हुई विजिलेंस टीम के सदस्य हैं वो भी है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि विजिलेंस टीम है वो विजिट पर आती है और उस टीम के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी है उन्होंने बताया कि 1967 के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खेतड़ी में स्थापना हुई और अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पुरानी मशीनें हैं वही काम में लिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि इनका मेंटेनेंस और रख रखाव किस तरह किया जा सकता था, और इस तरह बड़ी टीम खान के निरीक्षण के लिए आती है और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। वही जो इस हादसे की सूचना के बाद है वो रेस्क्यू टीम है पर पहुंची है, और जो कर्मचारी नेता है श्यामलाल सैनी उन्होंने बताया 6 जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं जो अस्पताल से मिली सूचना है कि अभी तक यहां पर कोई भी घायल नहीं पहुंचा है, अस्पताल की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। वहीं आसपास के जो खेतरी और सिंघाना के चिकित्सक हैं उनको भी है वो KCC के जो अस्पताल है वहां पर बुलाया गया है। जी, प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा है, लोकल थाने में आपकी कोई बात हुई है क्या उसकी? अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो खेतड़ी तहसीलदार के मौके पर पहुंचने की जानकारी है, और जो डिप्टी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और जो खान का जो प्रवेश द्वार है वहां पर वे पहुंचे हैं, और रेस्क्यू टीम भी पहुंची है, और जो रेस्क्यू टीम को है वो अंदर उतारने को लेकर जो एक नई प्रक्रिया है वो भी अपनाने की बात है वो सामने आ रही है कि किस तरह क्या जो और नीचे अधिकारी फंसे हैं उनको किस तरह क्या निकाला जाएगा। जो जानकारी मिल रही है वो शुरुआती जानकारी इस तरह की है। जी, लेकिन जैसे कृष्णा आप बता रहे हैं कि जब ये रस्सा टूटा करीब 1875 फीट नीचे ये लिफ्ट गिरी है, तो काफी ऊंचाई से लिफ्ट गिरी है, कितने लोग उस वक्त मौजूद थे? जी, जो जानकारी सामने आई है कि लिफ्ट में 13 लोग सवार थे, उनमें जो कोलकाता से